हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निःशुल्क नेत्र जांच शिविरों से जिले के 100 गांवों के 9000 ग्रामीण लाभान्वित हुए। जरूरतमंदों को हुए चश्मा वितरण। विजन स्प्रिंग दिल्ली और EPCH के सहयोग से ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्था द्वारा जिले भर में संचालित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर श्रृंखला में अब तक 100 से अधिक गांव के 9000 ग्रामीण आँखों की जाँच करवाकर कमजोर नजर वाले चश्मे प्राप्त कर चुके हैं। समाज सेविका नारी शक्ति अवार्डी रूमा देवी ने बताया, इस शिविर श्रृंखला में जिले भर में 16,500 लोगों की निःशुल्क आंखें जांच करने का लक्ष्य है। अब तक बाड़मेर, गुड़ा मलानी, बायतू, सिंदरी और शिव तहसील के 100 से अधिक गांव में 1010 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 9000 ग्रामीणों ने आंखों की जांच करवाई। वो विजन स्प्रिंग के विशेषज्ञों से दृष्टि दोष से संबंधित उचित परामर्श लिया। रूमा देवी ने आगे बताया कि गांव के लोगों को ठेठ बाड़मेर जाकर आंखों की जांच करवाने पर गौर नहीं करते और दूसरा बाड़मेर जाके जांच करवाना पैसा और समय दोनों के लिहाज से महंगा है। मेरे से जुड़े बहुत से दस्तकार व कुटीर उद्योग से संबंधित बहनें काफी समय से दृष्टि दोष का जिक्र कर रही थी। हमने विजन स्प्रिंग और EPCH के सहयोग से गांव ठाणे के जरूरतमंदों के बीच में कैंप रखे। इसमें दस्तकार बहने व उनके परिवार जन शिविरों से लाभ पा रहे हैं। बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीना, नगर परिषद अध्यक्ष दीपक माली व पार्षद गण संबंधित गांव के सरपंच, जन प्रतिनिधि व समाज सेवी शिविरों में उपस्थित होकर हौसला अफजाई कर चुके हैं। संस्थान सचिव विक्रम सिंह ने बताया कि आगामी दिनों में चौटन धनाव गडरा रोड क्षेत्र के गांव में 7,500 हस्तशिल्पियों के नेत्र जांच शिविर आयोजित होंगे। जब से कोरोना शुरू हुआ है, संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्र में 2,00,000 से ज्यादा मास्क निःशुल्क बांटे, 16,000 परिवारों को कोरोना से बचाव हेतु ट्रेनिंग दी एवं सैनिटाइजर किट वितरित किए, 5,000 से अधिक परिवारों को एक महीने की राशन सामग्री वितरित की। अभी आंख जांच शिविर व चश्मा वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका आधे से ज्यादा काम संपूर्ण कर लिया गया है। संस्था जरूरतमंदों को कहीं बुलाकर सहायता करने की बजाय उनके गांव में जाकर उनके हेल्प करने का प्रयास करती है। रूमा देवी, अध्यक्ष ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान, जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।